हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आप देख रहे हैं एस के वर्मा मैथ किंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा नाइन्थ के लिए प्रश्नमाला 3.4 के बारे में। आज हम इस वीडियो में इसका पहला प्रश्न करने वाले हैं और पहले प्रश्न के इसमें चार पार्ट हैं। कक्षा नाइन्थ प्रश्नमाला जो है 3.4 पहला प्रश्न है, उसके चार पार्ट करेंगे। देखिए क्या है प्रश्न, देखिए गौर से। कह रहे कि x माइनस वन निम्न में से किस किस बहुपद का गुणनखंड है। देखिए स्टूडेंट, अगर गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल जीरो है। शेषफल जीरो आ जाए तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें चेक करना है कि x माइनस वन है, इन चारों में से किसका गुणनखंड है। तो चार प्रश्न हमारे सामने हैं, तो यहाँ हल करने से पहले ये बात जान लेंगे। यदि शेषफल जीरो हो तो गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल जीरो न हो तो गुणनखंड नहीं होगा। हमें यही चेक करना है कि क्या गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए पहले का पहला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, एक्स की फोर माइनस दो एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स की स्क्वेयर प्लस दो एक्स प्लस दो दिया हुआ है। तो अच्छे से देख लीजिए, ये दिया हुआ है हमें। तो हल करते हैं हम। सबसे पहले इसको एफ एक्स के बराबर मान लेंगे, इसी रकम को लिखना है। एफ एक्स के बराबर लिख दिया, एक्स फोर माइनस टू एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वेयर दो एक्स और प्लस दो। देखिए हमें किसको करना है, हमें एक्स माइनस वन को लेके चलना है। एक्स माइनस वन को लेके चलें तो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो रफ काम में, अगर एक्स माइनस वन है तो आप इसके बराबर जीरो रख लीजिए। तो एक्स बराबर कितना होगा, माइनस का एक उधर जाके प्लस का एक होगा। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, देखिए आप इस चीज़ को, एक्स माइनस वन अर्थात एक्स बराबर कितना रखने पर, एक रखने पर। अब स्टूडेंट जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रख दीजिए और ब्रैकेट लगा के रखना बस। देखिए यहाँ x है, यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखा x की फोर, उसकी जगह एक की फोर ब्रैकेट में, माइनस दो एक्स की क्यूब माइनस दो एक्स की जगह एक की क्यूब, माइनस तीन एक्स स्क्वेयर माइनस तीन एक की स्क्वेयर, प्लस दो एक्स दो और x की जगह वन, और प्लस दो प्लस दो। जहाँ जहाँ x है, मैंने इसमें से यहाँ पर आया हूँ तो सिर्फ एक ही काम किया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक रखा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक रखा है। तो आगे देखिए सरल करते हैं। वन है एक्स के ऊपर चार है, तो एक्स के ऊपर चार है तो एक्स को कितनी बार, सॉरी एक के ऊपर चार है, एक के ऊपर चार है तो एक को चार बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, क्लियर है। यहाँ एक के ऊपर तीन है तो एक के ऊपर तीन है तो एक ही आएगा, मतलब एक गुणा एक एक ही आएगा। और एक को माइनस दो से गुणा करेंगे तो माइनस दो, क्लियर। यहाँ देखिए एक के ऊपर स्क्वेयर है, एक गुणा एक एक ही रहता है, एक ही रहता है। और एक को माइनस तीन से गुणा करेंगे माइनस तीन। और यहाँ देखिए दो एकम दो और लास्ट में देखिए प्लस का दो, क्लियर। अब सरल करते हैं, अच्छे से देख लेना। यहाँ से देखिए माइनस वालों अलग जोड़ दो, प्लस वालों अलग जोड़ दो। माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का पाँच हो गया, दो दो चार और एक पाँच, पाँच हो गया। मैंने प्लस को अलग जोड़ा है, देखो दो 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 चार और एक पाँच, पाँच हो गया। माइनस दो माइनस तीन कितना हो गया, माइनस पाँच, पाँच में से पाँच गया जीरो जीरो। अब स्टूडेंट बस यही था, देखिए शेषफल जीरो आ गया, जीरो है तो एक्स माइनस वन जो है ना एफ एक्स का गुणनखंड है। जीरो आ गया तो गुणनखंड है, जीरो नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। उसने यही पूछा हमसे, रिक्वेस्ट कर रहा है बताइए कि क्या गुणनखंड है या नहीं है। तो ध्यान रखिए कि अगर शेषफल जीरो आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो फिलहाल पहला प्रश्न गुणनखंड है, तो पहला प्रश्न हो गया है। चलिए पहले का पहला हो चुका है, पहले की दूसरे की ओर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए पहले का दूसरा प्रश्न, एक्स की फोर प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है हमें। ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए ये प्रश्न हमें दिया हुआ है। तो हल करते हैं, इसी रकम को किसके बराबर लिख लेते हैं, एफ एक्स के बराबर रख लेते हैं। ये खुद की मर्ज़ी से एफ एक्स को हम लिख रहे हैं फलन के रूप में, और बराबर में ये सारा कुछ लिख देते हैं, क्लियर है। अब वही देखिए, एक्स माइनस वन है, माइनस वन है तो उधर जाके कितना बनेगा, उधर जाके प्लस का वन होगा। तो यहाँ लिख रखा है मैंने एक्स माइनस वन अर्थात एक्स का मान एक रखने पर। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रख देंगे, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रख देंगे, और ब्रैकेट लगा के रखना बस, ये ध्यान रखना। तो एफ एक रख दें, एक्स की एक्स की फोर एक की फोर, एक्स की क्यूब एक की क्यूब, एक्स की स्क्वेयर एक की स्क्वेयर, एक्स एक और प्लस वन, क्लियर। यहाँ जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक रख दिया। अब ये तो पड़ा ही है, एक की चार करें तो एक ही आएगा, एक की तीन करें तो भी एक आएगा, एक की दो करें तो एक, एक का एक आ गया और एक का एक आ गया। जोड़ो एक दो तीन चार पाँच, पाँच आ गए। एफ वन का मान पाँच आ गया। डियर स्टूडेंट अब यहाँ से गौर कीजिए कि एफ वन का मान कितना गया, एफ वन का मान पाँच है, अर्थात शेषफल क्या नहीं है, अर्थात शेषफल जीरो नहीं है। पता लग गया जीरो नहीं है तो एक्स माइनस वन जो है ना वो इसका, यही सवाल था ना, इसका गुणनखंड नहीं है। समझ में आई बात, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है गुणनखंड, क्योंकि
जब हमने मान रखा था तो लास्ट में पाँच आया, पाँच आया तो जीरो तो नहीं है ना, जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, और अगर जीरो आ जाता तो गुणनखंड होता। तो समझ में आ गया, ये था पहले का दूसरा सवाल। चलते हैं पहले के तीसरे सवाल की ओर। पहले का तीसरा सवाल देखिए ये रहा, पहले का तीसरा सवाल जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये रहा पहले का तीसरा सवाल। एक्स की फोर प्लस एक्स तीन एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस माइनस का दो। तो हल करते हैं, इसी रकम को हम एफ एक्स के बराबर ही लिख लेते हैं, ये लिख लिए हमने। अब वही इसी को करना है एक्स माइनस वन, तो माइनस वन उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस वन, तो एक्स का मान कितना रखने पर एक रखने पर, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रख देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ एफ वन एक रख दिया, यहाँ पर एक्स की फोर है एक की फोर कर दिया, तीन एक्स की क्यूब है तीन एक्स तीन एक की क्यूब कर दिया, माइनस तीन एक्स स्क्वेयर है माइनस तीन एक की स्क्वेयर कर दिया, प्लस वन है प्लस एक कर दिया, माइनस दो कर दिया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रख दिया। एक की घात चार है तो एक ही रहता है, एक की घात तीन है तो एक रहता है, एक को तीन से गुणा करेंगे तीन, एक स्क्वेयर एक ही रहता है, एक को माइनस तीन से करेंगे माइनस तीन, एक का एक आएगा और माइनस दो का माइनस दो आएगा। क्लियर है? अब सरल करते हैं इसको, देखिए देखिए ये तीन है, तीन और एक चार, चार एक पाँच, पाँच हो गया, ये आ गया पाँच, और ये माइनस तीन और माइनस दो माइनस का पाँच, पाँच में से पाँच गया कितना गया जीरो, जीरो। एफ वन का मान कितना गया जीरो आ गया। क्लियर है? तो सेसफल कितना गया, यहाँ मैंने लिख रखा है इसे देखिए अच्छे से जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, सेसफल जीरो आ गया, जीरो आ गया। तो एक्स माइनस वन जो है इस ये सवाल था, इसका एक गुणनखंड है। तो स्टूडेंट ये समझ में आ रही है बात है, गुणनखंड कब होता है, गुणनखंड कब होता है, जब जब क्या आता है सेसफल जीरो आता है, तो जीरो आ रहा है तो गुणनखंड है। चलिए तीसरा प्रश्न हो चुका है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो डियर स्टूडेंट पहले का तीसरा हो चुका है, अब पहले का चौथा प्रश्न करते हैं अपने। तो पहले का चौथा पार्ट देखिए, पहले का फर्स्ट का चौथा पार्ट, तो प्रश्न देखिए ये रहा प्रश्न दिया हुआ है, फर्स्ट का चौथा ये रहा। एफ एक्स का मान एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट में दो प्लस रूट तीन और एक्स दिया हुआ है, और यहाँ ये दिया हुआ है प्लस का रूट तीन। क्लियर है? तो अब इसको सर देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए हल करते हैं। तो इसी रकम को सॉरी ये दिया नहीं हुआ था सवाल के अंदर, सवाल में इतना ही दिया हुआ है, ध्यान रखना। हमने एफ एक्स के बराबर मान लिया, इसके बराबर ही रख लिया, तो वही एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन है तो एक्स का मान कितना रखने पर एक रखने पर, प्लस का एक रखने पर, तो रख दीजिए इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रख दीजिए। एक्स की क्यूब एक की क्यूब, एक्स की स्क्वेयर एक की स्क्वेयर, ये पढ़ाइए ये एक्स गुणा में, तो गुणा में एक ब्रैकेट लगा के रखना, देखना अनरूट तीन प्लस का पढ़ाइए। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एक रख दिया, और वो भी ब्रैकेट लगा के। तो अब सरल करते हैं, एक की क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा, एक स्क्वेयर करेंगे तो भी एक रहेगा, ये पढ़ाइए गुणा में ये एक, इसका मान एक रख दिया और ये अनरूट तीन है। अब इसको सरल करते हैं, सरल करते हैं, देखो एक की क्यूब एक हो गया, एक स्क्वेयर एक हो गया, एक एक को लिखो या ना लिखो गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए ये एक का एक लिख दिया, माइनस एक लिख दिया, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, जब ब्रैकेट खोलेंगे निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस। अब कटिंग कर लीजिए, देखिए प्लस का रूट माइनस का रूट तीन, प्लस माइनस का एक प्लस का एक कट गया, क्या बच गया माइनस का दो बच गया, माइनस का दो बच गया ये रहा। तो डियर स्टूडेंट जीरो नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा तो मतलब गुणनखंड नहीं है। तो चूंकि एफ वन का मान माइनस दो अर्थात सेसफल शून्य नहीं है, नहीं है तो एक्स माइनस वन इस ये सवाल लिखा मैंने का ये गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल, तो समझ में आ गया हो तो हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमने क्लास नाइन्थ की वीडियो थी, ये क्लास नाइन्थ की वीडियो थी, और इसमें हमने 3.4 प्रश्नावली का पहला सवाल किया, पहले के चार पार्ट पूरे कर लिए। थोड़ी देर में हम अगली वीडियो भी लेके आएंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताएं इस वीडियो के बारे में, ताकि वो अगले अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।